आफ्टर 1.5 इयर्स ये वीडियो आ गया फाइनली। सो इन द फोर्थ सेम आई फाइनली फॉर द लव गॉट टू गुड एंड दिस इज हाउ इट वेंट। हेलो 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 गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय नेम इज जज मंडारी और 3 जनवरी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज और हमेशा की तरह हम लेट हो गए। 9 बजे से क्लासेस, 8:30 बज रही है और मेरे को घर जाने में 20 मिनट लगेंगे और उससे पहले मेरे को मेरे आयुष को भी लेना है। कॉलेज पहुंचने के बाद हम लोग सारे बच्चे एफ ब्लॉक के सामने इकट्ठा हुए, जो हमारी ब्रांच की बिल्डिंग है उसके सामने, और बाय गॉड इतना ऑकवर्ड मिलन समारोह हुआ है। तो सब पहली बार मिल रहे हैं, कोई किसी को नहीं जानता। तब एक साल से इतनी बातचीत हो रही है व्हाट्सएप पे और अब सामने सामने मिल रहे और नाम तक नहीं पता भाई। कुछ लोगों पर तो मुझे अभी भी डाउट है भाई, मैं नहीं मान रहा वो हो ही नहीं सकता। मतलब डीपी में मतलब ऐसे कि तो किसी और ही बंदे की डीपी लगा कर रखी है। मतलब क्या कर रहा भाई ये, इधर कैमरा लेके जाओ। तू कहाँ से आ गया? नहीं। एक और बात मैंने नोटिस करी कि सब लोगों को काफी एक्साइटमेंट था व्लॉग में आने का, थोड़े से ऑकवर्ड है अभी लोग, सब लोगों को बस पीस से दिखा देते हैं, बट डोंट वरी 2 साल अपने प्रोफेशनल व्लॉगर बना लेंगे। हम लोग ने ड्रेस कोड रखा था कि हम लोग सब स्वेटशर्ट के ऊपर ही पहनेंगे। अरे उसका सर बता, खड़ी हो बस खड़ी हो। हां बस थैंक यू। हाँ तो देखो उसने भी पहन रखा है वैसा, बट है ना हमारी क्लासेस ही नहीं चल रही और अलग अलग कर दिया भेज दिया, कुछ मतलब नहीं दिख रहा। हाँ भाई आलतू फालतू मैं पहन लिया पहले कोई नहीं, और अभी तो अक्षत की भी क्लासेस निकली हमारी भी निकली, बस सी एस वालों को ज़्यादा भाव दिखता है। उनकी खुल गई क्लासेस, उनकी खुल गई। हाँ तो आयुषी बाहर नहीं कटी। ठीक है अब आप जा सकते हो, मैं मंदिर जा देखते क्या। ओके बाय, ब्रेक में मिल। तो दीदीदार कैंप कैंपस है वो है बॉयज़ वॉशरूम और दीज इज़ द बॉयज़ वॉश। सच्ची में तो भाई 2 क्लासेस कैंसिल होने के बाद 1 क्लास लगी और बाय गॉड इट वाज सो डैम फन। नहीं मुझे तेरी हाइट से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट थैंक यू फॉर आस्किंग। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इतने सालों बाद? कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका भाई? कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। मैं स्टार्टिंग के 5 मिनट में बहुत हाइप था, उसके बाद नींद आने लग गई थी। आज फर्स्ट बेंच पे बैठ के कैसा लगा? 2 क्लासेस लगी और फिर उसके बाद हमारा पूरा दिन जो मैंने टाइम पास किया बाय गॉड उफ मैं वो बताऊंगा नहीं, वो तुम खुद ही देख लो। एकदम पिकनिक वाली वाइब्स आ रही है। ये मेरा टिफिन है। आपका तो रुको रुको रुको, आपको मैंने क्या बताया कैसे एंट्री होगी? जाओ पीछे चल के जाओ, जाओ वो व्लॉग में देख लेना। आओ धीरे धीरे आओ। कैसी रही ट्रिप? बढ़िया, मेरी भी बढ़िया रही, मेरी ट्रिप भी अच्छी। अच्छा हां ये तो अच्छे सॉरी। हां हां ठीक है कोई बात नहीं, बड़े लोग हो गए अभी उम्री। हेलो गाइस, बहुत बड़े हो गए। रीच का फोटो डाला है। 1024 हो गए। ये भालू टाइम पास कर रहा है देखो, इसको कुछ नहीं आता। थोड़ी फुटेज तो इसको बहुत गंदा लग रहा है, हम सब इसके साथ हैं। इसको तो देख ही लो कितना गंदा हम लोग अभी आज हमारे पास कुछ करने को था नहीं,
तो हम लोग आए डीएवी कैंपस में। क्या तूने तेरे ड्रेस कोड के बारे में बताया? हाँ बता दिया, इसने भी वही फॉलो करा है, इसी के चक्कर में हमने फॉलो करा है। पैथेटिक। आगे जाने से पहले तुमको बता दूं कि हम दोस्तों को ऐसे हैंगआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके लिए मुझे बेस्ट प्लेस लगती है शिवा चाइनीज़। और ये दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय शिवा चाइनीज़ एंड का पांच, बट जेन्युइनली मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाता हूँ, जरूरत से ज़्यादा ही खाता हूँ। वहाँ की मैंने बहुत सारी चीज़ ट्राई कर रखी है, तो मेरी तीन रिकमेंडेशन है कि पहली तो हेज़लनट कोल्ड कॉफी, सेकेंड है मंचूरियन मैगी बाय गॉड का ही टेस्ट है उसका, तो और तीसरी हनी चिली पोटैटो, ये तीनों मेरी बेस्ट है। मतलब वहाँ की बाकी सारी चीज़ें भी बहुत टेस्टी है, तो तुम एटलीस्ट एक बार तो सब कुछ ट्राई कर ही सकते हो। इट्स नॉट दिस टेस्ट, वहाँ का सर्विस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं एक बार वहाँ पे गया था किसी के साथ, और फिर हमारे जो खाना था वो टेस्ट अच्छा नहीं करता, तो बकाया तो मैनेजर साहब खुद उठ के बना के लाया हमारे लिए और बोला कि सर ये वाला चाकू ये वाला अच्छा लगेगा। फिर याद है मैं बर्थडे पे गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे बर्थडे पे हम लोग ने ऐसी छोटी सी गैदरिंग कर रखी थी, और उन्होंने अपना गाना चेंज कर दिया, ये अज्यूम करके हमने उनको बोला भी नहीं गाना चेंज करके, छोटी छोटी बातें ऐसे मेरे को अच्छी लगी। तो टेस्ट, एम्बियंस और सर्विस की वजह से मैं एक बार रिकमेंड करूँगा शिवा चाइनीज़ को। बहुत अच्छी। मूविंग ऑन, तो हाय गाइस, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे था, काफी मजे करे हमने, सिर्फ अक्षत का मूड खराब था। मजे का क्या घंटा मजे करे लिटरली, आधे कैंपस में घूम रहे थे एमलेस जैसे, मैं भी कैंपस क्लास की तरह क्लास की तरह। अब कॉलेज तो सब तुमने घूमेंगे ना, क्या है क्या कैंपस में, तो आज हमने बहुत ज्यादा घूमा, बहुत ही ज्यादा वाला घूमा। जब बॉयज वॉशरूम तुम्हारे लिए सबसे एंटरटेनिंग प्लेस बन जाए तो समझो कितना बोरिंग मिल जाए। इसका दिन बोरिंग हुआ होगा, इसकी ब्रांच अलग है, मेरी ब्रांच अलग है। मेरा दिन काफी अच्छा रहा था, दो क्लासेस लगी थी, मजे आया उसमें पढ़ने में। हमारी भी दो क्लासेस लगी, घूमे सबके साथ, घूम रहे थे, बहुत मजा है। बाकी सारे कैंपस में भी घूम के, बाकी सारे कैंपस में भी घूम के, मजा है वहाँ पे। और अब हम चाय सुट्टा पे आए हैं, हम चाय टी बगा देंगे, टी लॉजी है, ओके टी लॉजी पे हम चाय पीने आए हुए हैं, टी लॉजी चाय सुट्टा पे पीना। से हाय एवरीबॉडी, अक्षत ये स्मार्ट लग रहा है टोपी में, ये देख लो, सुनहरा मौका मानव काम कर रहे, कभी मिलेगा नहीं। देखो पता है पैसे तब भी नहीं दे रहे, नहीं 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 पैसे तो ठीक है, ये भाई साहब आते ना तो चाय लेने तक नहीं जाते ना, बोलने जाते। काम कर रहे हो आप आज, अच्छा लगा देख के, पैसे थोड़ी दूंगा पता है, हराम ही हो बेटा। हमने है ना लिटरली, आप बताना, नीचे के सारे हमने ऑर्डर कर दिए, और ये भाई साहब कंफ्यूज कर दिए कौन सी है, तो अब यही अबे ये था नहीं तूने कर दिया, अब है अब अपने को अब चक के पता के कौन सी किसकी क्या है, किसको कौन सी मिली है, अदरक चॉकलेट क्या अबे पान मैंने नहीं करी थी, अब रे क्योंकि हम गवार हैं। शट अप, संजीव कपूर की बेटी बताइए। सो लुकिंग बैक, मैंने दो चीजें रियलाइज करी। पहली तो कोई भी ऐसा नहीं था जो ऑनलाइन कॉलेज के अंदर पढ़ाई या फिर अच्छे से नोट्स बनाना और ये सब मिस कर रहा था। सब लोग बस यही मिस कर रहे थे कि उनके जो दोस्त थे और मतलब सारी थी दूसरी जगह से भोपाल से और वगैरह सहा से जितने भी सारे दोस्त थे सब मिलेंगे और फिर जो गता मस्ती करेंगे वो, मतलब जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन है ना, दैट इज़ द एसेंस ऑफ ऑफलाइन कॉलेज, एंड दैट इज़ मतलब कोई कॉपी नहीं कर सकता। मतलब ऑनलाइन में एक बार के लिए पढ़ाई भी हो जाएगी बट वो कब नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ की आया फिर मेरी क्यूटनेस स्कोर देखने के लिए इंस्टाग्राम चलाओ, फॉलो मी देयर, और वीडियो देख के तुम लोग भी शिवा चाइनीज़ जाते हो तो प्लीज़ मजा के एक बार ही बोल देना कि हमने तुम मतलब कि हमने तुम्हें वीडियो में देखा, यश की भी दिल खुश हो जाएगा, प्लीज़ बस बोल देना उनको।
संगी हम न होते यारा अपनी तो यारी अदरों